से नेपाल के रास्ते आई सीमा हैदर पिछले कुछ दिनों से लापता थी, लेकिन अब सीमा हैदर को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। नई जानकारी मिली है कि सीमा और सचिन ग्रेटर नोएडा के रघुपुरा में ही किसी जगह पर रह रहे हैं। हालांकि ये नहीं पता चला कि मीडिया से भाग रही सीमा रघुपुरा में आखिर कहाँ है। इस बीच सीमा हैदर का एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इस वीडियो में सीमा के चेहरे की रौनक उड़ी हुई है। सचिन भी यहाँ पर परेशान नजर आ रहा है। ये तस्वीर जो है आप देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं, पूरा परिवार टेंशन में है। रील बनाकर मस्ती करने वाला कपल टेंशन में है। इस वीडियो में घर का राशन तक खत्म होने की बात हो रही है, आपको दिखाएंगे और वो पूरा वीडियो आपको सुनाएंगे भी। ये वो रील्स तो आप देख रहे हैं जिसमें एक चेहरे की अलग रौनक है, लेकिन सचिन और सीमा यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं, परेशान है। सचिन के पिता भी इस वीडियो में नजर आ रहे हैं, कुछ बुजुर्ग भी इस वीडियो में नजर आ रहे हैं। दरअसल सीमा और सचिन अपने घर पर नहीं है, उनके घर के बाहर एक नोटिस चस्पा है, मीडिया को दूर रहने के लिए कहा गया है। लेकिन आप इस बात को समझिए, कई बार की, कई दौर की पूछताछ के बाद अभी भी सीमा और सचिन को क्लीन चिट नहीं मिली है। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि सीमा सचिन का परिवार दाने दाने का मोहताज है। ये हालांकि वीडियो कब का है इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन इस वीडियो में सचिन का परिवार एक किसान नेता से अपनी आप बीती बया करते हुए नजर आ रहा है। वो वीडियो भी देखिए। सचिन से, सचिन मेरा रूपरा और सीमा से मिलने आया, उनके पिताजी हैं नेत्रपाल जी। मैंने इनसे समस्या पूछी कि आपको क्या परेशानी है, तो इन्होंने बताया कि हमको खाने पीने की बहुत प्रॉब्लम हो रही है, पुलिस के पहरे में हमको बिठा के रखते हैं। हम रोज कमाने खाने वाले आदमी हैं, गरीब आदमी हैं। तो मैंने इनको बताया कि आप अपना थाना इंचार्ज रोपड़ा को अपना पत्र लिख करके दें, ताकि वो अपने आला अधिकारियों से इसकी परमिशन लेकर के आपको खाने कमाने की परमिशन दें। नेत्रपाल जी, क्या समस्या है आपको बताए? समस्या है कि जो पहले से राशन चाहिए, तो आपने थाना इंचार्ज को बताया कि हम अपना रोज कमाने खमाने वाले आदमी, हमको कमाने खाने दिया जाए? वो बताया, उन्हें वो पता था रोज बनाने वाले खाने वाले, मगर चलो आज हम रहूँगा थाना इंचार्ज से बात करेंगे, वो अपने ऊपर के अधिकारियों से बात करके इसका समाधान निकालेंगे। आप कब तक घर पर बैठे रहोगे? खाना कमाने के लिए जाना पड़ेगा आपको। धन्यवाद। तो आपने सुना, ये वीडियो दरअसल सामने आया है और किस तरह से सीमा और सचिन अब इस वीडियो में नजर आए हैं। मोहित ओम का रुख कर लेते हैं, हमारे साथी इस समय ग्रेटर नोएडा रघुपुरा से जुड़े हैं, जो कि सीमा और सचिन का घर है। मोहित, पिछले काफी समय से सीमा और सचिन आखिर कहाँ थे ये कोई जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन एक वीडियो में ये स्पष्ट हो जाता है कि दोनों के चेहरे की रंगत उड़ी हुई है, हवाइयां उड़ी हुई है, खाने तक के लिए अब पैसे नहीं बचे, सामान लाने तक के उनके पास में कोई व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल नाना, देखिए पिछले मंगलवार की बात करें तो पिछले मंगलवार सुबह सीमा अपने परिवार जो रघुपुरा में रहता है यहाँ से वो चली गई थी, और परिवार का कहना था कि एटीएस सीमा सचिन को यहाँ से ले गए हैं। लेकिन कल एक वीडियो वायरल हुआ, वो वीडियो एक मास्टर स्वराज सिंह किसान नेता हैं, उनके साथ एक वीडियो वायरल हुआ, जो स्वराज सिंह ने बताया कि कल ही वो सीमा और सचिन के परिवार से मिले हैं, जो रघुपुरा में किसी जगह पे रह रहे हैं, जिसमें सचिन और सीमा खुद है, और सचिन के जो पिता नेत्रपाल है वो भी वहां पे मौजूद है। और नेत्रपाल बता रहे हैं कि किस तरीके से उनके परिवार के ऊपर अब जो अपना जो रोजाना का जीवन जीने के लिए भी अब उनके ऊपर संकट मंडरा रहा है, क्योंकि उनके परिवार के जो लोग हैं, चाहे सचिन हो या नेत्रपाल हो, वो अपने छोटे काम करते हैं। सचिन के जो पिता नेत्रपाल हैं वो पेड़ पौधे लगाने का काम करते हैं, तो सचिन एक जनरल स्टोर पे काम करता है, तो दोनों अपने काम पे नहीं जा पा रहे, इसलिए उनके घर में अब अन्न की भी कमी हो रही है और खाने पीने की भी संकट उनके ऊपर आ गया है। तो जो किसान नेता है उनका कहना था कि वो जो क्षेत्र के कोतवाल हैं उनके पास जाएंगे, और अपना उन्होंने कल एक पत्र भी वहां पे भेजा है। तो जो उनका कहना है, जो किसान नेता, उनसे हमारी सुबह बात हुई, उनका कहना है कि उनको ये आश्वासन दिया गया है कि नेत्रपाल अपने घर से काम के लिए निकल सकते हैं, और सचिन अगर रघुपुरा से कहीं बाहर जाते हैं तो पुलिस को बताना होगा, पुलिस के बता के ही बाहर जा पाएंगे। लेकिन जिस तरीके का वीडियो सामने आया उसमें कहीं ना कहीं जो खुशहाल परिवार था, जो वीडियो बनाता हुआ नजर आता था, वो कहीं ना कहीं संकट में जरूर नजर आ रहा है। सचिन और सीमा की बात करें तो दोनों काफी परेशान नजर आ रहे हैं, और खासकर सचिन की अगर बात करें तो वीडियो में दिख रहा है कि सचिन कैसे एक परेशान अवस्था के अंदर लेटा हुआ है, और वो अपनी बात रख रहे हैं किसान नेता के सामने। ये वीडियो स्पष्ट तौर से बताता है, हालांकि ये किस जगह का है ये अभी तो नहीं पता चल पाया, बने रहिए हमारे साथ में। लेकिन सीमा हैदर को लेकर दरअसल जांच एजेंसी लगातार अभी भी नजरें बनाए हुए है, सीमा को अभी क्लीन चिट नहीं मिली है। समझिए जरा, सीमा को लेकर जांच एजेंसी अलर्ट पर है,
सीमा की जो फोन है उसका टेक्निकल डेटा खंगाला जा रहा है। कई राउंड की पूछताछ के बाद भी अभी भी जांच जारी है। कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही अंतिम फैसला होगा। लेकिन सीमा हैदर आखिर किसके जरिए हिंदुस्तान पहुंची? सीमा हैदर नेपाल में किस किस के संपर्क में थी? सीमा हैदर कराची में आखिर क्यों थी? सीमा हैदर आखिर जिस तरह से तमाम सिम होने की बात जब सवाल पूछे गए तो उसका जवाब नहीं दे पाई। ये वो तमाम सवाल है जो सीमा को और भी ज्यादा शक के दायरे में लाते हैं। आपको दिखाते हैं मुख्य तौर पर जांच एजेंसी के रडार पर आखिर कौन कौन है। सचिन मीणा सीमा का पति, आप इस बात को समझिए, ये सीधा सीधा मुख्य किरदार है। नेत्रपाल मीणा जो सचिन के पिता हैं, वो भी लगातार पूछताछ में है रडार पर। सचिन की बुआ का एक लड़का है, दरअसल बताया ये जा रहा है कि आधार कार्ड सचिन की बुआ के लड़के ने ही बनाए थे और इन्हीं आधार कार्ड के माध्यम से नेपाल से हिंदुस्तान की तरफ जो है वो आई थी सीमा हैदर अपने बच्चों के साथ में। मोहित लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। मोहित, इसके पहले हमने देखा भी था कि जब यूपीएटीएस ने पूछताछ में कई दौर के सवाल जवाब तो किए, लेकिन इस बीच सचिन के पिता और सचिन का एक कजिन भाई जो है वो भी रडार पर था। अभी किसी तरह से क्लीन चिट नहीं मिली है। किस तरह से मुश्किलें आने वाले वक्त में बढ़ सकती हैं सचिन और उसके परिवार की और सीमा हैदर की भी? बिल्कुल, देखिए अभी भी जो सीमा हैदर है या सचिन मीणा है या नेत्रपाल, ये रडार पे है यूपीएटीएस के, क्योंकि यूपीएटीएस को अभी तक ऐसे कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं कि सीमा यहाँ से प्रेम प्रसंग के चलते ही भारत में आई है। और सचिन के ऊपर ये तलवार लटक रही, सचिन ने जो फर्जी दस्तावेज अपने जो बुआ के लड़के के माध्यम से बुलंदशहर में बनवाए थे वो कैसे बनवाए थे और उसके पीछे की क्या मानसिकता थी, तो उसको लेके भी लगातार पूछताछ की जा रही है। नेत्रपाल के ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि नेत्रपाल ने कैसे एक इलीगल तरीके से भारत के अंदर आई हुई महिला को अपने घर के अंदर शरण दी और अपने घर के अंदर रखा है। तो फिलहाल अब ये पूरा परिवार जो अभी भी रडार पर है, लेकिन इनका कहना है कि हम जो लगातार इनके की बात है कि ये प्रेम प्रसंग के चलते ही ये परिवार बसा है। और अगर आसपास के गांव की बात करें तो उनका भी ये कहना है कि अगर कोई लड़की हमारे घर में हमारी बिरादरी में आ गई है तो उसको हम यहाँ शरण देंगे और उस लड़की को हिंदुस्तान में रहना चाहिए। लेकिन उनका ये भी कहना है गांव के लोगों का, अगर इस पर जासूसी के आरोप सिद्ध होते हैं तो इसको तुरंत यहां से दूसरे देश भेज देना चाहिए जिस देश से लौट कर आएंगे। तो फिलहाल एटीएस के रडार पर है, के सामने कई सवाल है खासकर से सीमा को लेकर। सवालों के जवाब स्पष्ट तौर से अभी तक सीमा की तरफ से नहीं दिए गए हैं। यही वजह है कि रडार जो है वो लगातार बढ़ रही है। जानकारी के लिए मोहित आपका शुक्रिया।